गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनुशमा ब्लॉग्स। और सुबह के बज रहे हैं 7:30 और मैं उठ चुकी हूँ। मैंने सोचा क्यों ना आज मैं आपके साथ फुल डे रूटीन शेयर करूं। और अभी हो रही है थोड़ी थोड़ी बारिश, मैं आपको दिखाती हूँ। एंड ये देख सकते हैं आप, ये रही हमारी गली। मौसम कितना ये हो रहा है, मतलब बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी मैं बनाऊंगी ब्रेकफास्ट, 7:30 हो गए हैं, 9 बजे तक हम खा लेते हैं। अभी देखती हूँ लंच बनाऊँ या नहीं बनाऊँ, कि ये ऑफिस जाएंगे या नहीं, क्योंकि बारिश हो रही है तो फिर उसी हिसाब से काम करूंगी। अभी मैं नीचे आ गई हूँ, 9 बज रहे हैं। मेरा और मम्मी का नाश्ता तो हो गया, हमने चाय पी ली और परांठे खा लिए, और बारिश अभी तक रुकी नहीं है। तो मतलब अतुल मुश्किल ही जाएंगे ऑफिस, फिर अभी आ जाएंगे नहा के। फिर पूछती हूँ कि क्या खाएंगे ब्रेकफास्ट में, हमारा तो हो गया, अब इनके लिए बनाऊंगी। उठ चुकी है और अम्बू उठ के टीवी देख रही है। अनवी हेलो कर दो। अतुल नहा के आ गए हैं, क्या खाओगे नाश्ते में? एग पड़े हैं, ऑमलेट ब्रेड बना दो। चाय कॉफी? चाय। अभी मैं जा रही हूँ नाश्ता बनाने। मैं बना रही हूँ यहाँ पे ऑमलेट ब्रेड और चाय, गर्मा गर्म नाश्ता। 12 हो रहे हैं दिन के और मैं नहा बैठी हूँ, और अभी भी बारिश बंद नहीं हुई है। देखो कितना और मौसम खराब हो गया है, और बारिश हो रही है। अभी कंघी करूँगी, फिर लंच का देखते हैं, क्योंकि 1 बजने ही वाला है। लंच क्या बनाऊँ ये भी सोचना पड़ता है यार, हर दिन बारिश हो रही है ना, तो लंच नहीं बनाया, सोचा चाय बना लूँ और थोड़ी सी सेमी और थोड़े से बनाए ब्रेड पकौड़े, क्योंकि मौसम भी ठंडा है। चाय हो चुकी है तैयार, चलते हैं देने। चलो सेमी और चाय बन गई है। क्यों नहीं खाओगे? लो सेमिया चाय। ब्रेड पकौड़े खाओगे? ये आ रही हूँ अभी, ला रही हूँ। चलो क्या हो गया? डेड हो गई थी मैं चाय देने, आ तो गई मैं वापिस। चाय देने आ तो गया मैं 1 मिनट में। आप ऐसे रुकते हो मम्मा के बिना? और थोड़ी सी बनाएंगे सब्जी, तो सब्जी तो दाल को तड़का लग चुका है, अभी सब्जी बनेगी थोड़ी देर बाद। जब तक दाल बन जाए तो मैंने सोचा 5-10 मिनट रेस्ट कर लूँ, फिर आटा गूंथेंगे, खाना खाएंगे और सो जाएंगे। वैसे भी अभी तक बारिश हो रही है, और ना ही आज कपड़े धुले और ना ही आज ढंग से कुछ सफाई हुई, सिर्फ झाड़ू लगा हुआ है। बट क्या करें, बारिश है तो क्या कर सकते हैं, क्योंकि अगर पोछा भी लगाते हैं तो वो नीचे से सारे आते हैं, तो जीने बिल्कुल गंदे हो जाते हैं चप्पल से। इसलिए बारिश हो रही थी इसलिए पोछा वगैरह कुछ भी नहीं लगाया आज। तो मेरी बन चुकी है और अब मैं बना रही हूँ गोभी की सब्जी। अच्छा ये जो मैं बना रही हूँ ना सब्जी, इसमें मैं सिर्फ डालूंगी हींग, और मैंने मसाले सारे मिक्स करके रख लिए थे ना, ये डालूंगी। प्याज और वो नहीं डाल रही हूँ, लहसुन सिंपल बना रही हूँ। गोभी को भी बना के देखना, बहुत टेस्टी बनती है। और ये रही सब्जी जो मम्मी ने काट दी थी, और अब मैं उसको सौंप लूँगी। कोई वो नहीं डाला इसमें, सिर्फ मसाले हैं। और मैं डाल दूँगी 1 मिर्ची हाफ टीयर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तेज है तो थोड़ी स्पाइसी अच्छी लगती है। ऐसे सिंपल बना के देखना, बिना लहसुन प्याज को भी काफ़ी टेस्टी लगती है। इसको 15-20 मिनट पकने देंगे, और जब तक मैं गूंथती हूँ आटा। दाल भी बन चुकी है, और दाल में डाल दूँ थोड़ा सा धनिया, एंड सब्जी भी बन गई है। सब्जी में थोड़ा बहुत धनिया डाल दिया मैंने। दाल भी तैयार हो चुकी है, सब्जी भी, अब बनेगी रोटियाँ। फोन लिया है एनवी? और आपकी सिलाई, मैंने सोचा थोड़ी देर छत पे जाऊँ, और ये लड़की मेरे पीछे पीछे आ गई, मतलब मुझे कहीं भी अकेला नहीं छोड़ती ये लड़की। मैंने सोचा मौसम क्लियर होगा, बट यहाँ तो देखो कितनी ज़्यादा धुंध है, और अभी बारिश हो रही है यहाँ पे। तो अभी तो चलते हैं, और अनवी भी साथ में ही आ गई है, तो अभी तो जाना ही पड़ेगा नीचे। अनवी चलो बेटा। डाल दी है, और रोटी यहाँ पे बन रही है, रोटी भी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। 8 बज रहे हैं, बट हम खा लेते हैं टाइम से, ज़्यादा लेट नहीं करते, 8 बजे तक खा ही लेते हैं। अब ये मत बोलना कि चिमटे से क्यों नहीं उठा रही हूँ, चिमटा है मेरे पास, बट मुझे जैसे सही लगता है मैं वैसे ही करती। डिनर भी हो गया, और बर्तन थे वो भी हो गए, और अभी 9:30 बज रहे हैं। सोते सोते तो 12 ही बज जाते हैं, क्योंकि अनवी लेट सोती है। तो आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा, और डेली रूटीन का,
और अगर आपको ऐसे ब्लॉग्स और भी चाहिए तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताना, और जाते जाते चैनल सब्सक्राइब कर देना और वीडियो भी लाइक कर देना। बाय, थैंक यू।